हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्नेट ट्यूटरिंग। कल हमने मेरे ख्याल से IRMS निकाल लिया था। IRMS के आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फालतू की कोई भसड़ नहीं, कोई फालतू की कहानी नहीं, सीधा पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज टाइम वैसे भी कम है। देखो, मेरे ख्याल से अच्छा एक चीज़ समझो, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर मैं हीट की बात करता हूँ ना, तो बहुत स्मॉल हीट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो जो हीट लिखी जाएगी, अभी हम निकालें ERMS की वैल्यू निकालते हैं, तो हीट लिखी जाएगी तो क्या निकली जाएगी? E²R dt, है ना? मेरे ख्याल से ये लिखी जाएगी, है ना? हाँ, यही लिखी जाएगी। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और dH को मैं लिख सकता हूँ E₀ sin ωt इसका स्क्वायर बाय R dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको इक्वेट करेंगे अपन किससे? ERMS बाय आर इंटू टाइम। फाइनली इससे इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं ना, बेसिकली एक छोटे पार्ट के लिए, बहुत स्मॉल एलिमेंट के लिए, बहुत स्मॉल टाइम के लिए हम हीट जो स्पेंड हो रही है ना, वो निकाल रहे हैं। उसको जीरो से टी तक कर देते हैं इंटीग्रेट, पूरी निकल जाएगी हीट जो डिसिपेट हो रही है, उसको इक्वेट कर देंगे इसके, देखते हैं क्या आता है। पहले इक्वेशन देख लें यार, यहाँ गलती होगी ना तो फिर भसड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चलो, अच्छा हाँ, कल मैंने वो शॉर्ट्स बनाया था ना, वो आया था जो क्या था, मैं भूल गया यार। और मैंने बोला था कि तुम्हारी औलाद ही चूतिया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सही तो बोला था। आजकल देखो दिक्कत क्या है ना, पेरेंट तो पोमेरियन है ही, उसी ब्रीड के बच्चे पैदा हो जाते हैं। इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना डेलिकेट तरीके से बच्चे को पैदा करते हैं कि आगे जाके अगर टीचर ने गलती से उसको डांट दिया, टीचर का तो मरण है। टीचर बच्चे को डांट नहीं सकता, बच्चा अपने आप से पढ़ेगा नहीं, पढ़ाने के लिए टीचर को डांटना पड़ेगा, डांट हो सकता नहीं, नंबर वो वैसे नहीं लाएगा, और पेरेंट को चाहिए नंबर। फाइनली गलती किसकी? टीचर की गलती। यार तो तुम्हारा बच्चा ही तुमने फुद्दू पैदा कर दिया है, तो टीचर की गलती क्या है उसके अंदर? फाइनली मतलब गलती टीचर की है, हमें अपनी गलती तो माननी नहीं है। हमारी ग्रूमिंग के अंदर, हमारी पैम्परिंग के अंदर, हमारी परवरिश के अंदर तो गलती हो ही नहीं सकती। और ये पॉक्सो वॉक तो चालू हो गए हैं, जब से ये पॉक्सो चालू हुए हैं हर कोई शेर बना फिर रहा है। जिनके मुंह में जबान नहीं थी उनके मुंह में भी जबान आ गई है अब। अरे बच्चे को पढ़ाने पे ध्यान दो यार, IIT बस की नहीं है तो IIT मत करवाओ। सारी दुनिया के IIT कर रही है क्या? गवर्नमेंट ने कुछ IIT और खोल दिए तो निकल गए मैं IIT, मैं NIT करने में। उसके अलावा क्या जिंदगी नहीं है? बेसिक साइंस मैथ सीख लो अगर इतनी चुल बैठी है तो, कि भैया हमको अपना IQ अच्छा करना है, तो बेसिक साइंस मैथ सीख लो। लगता है कि भाई एप्टीट्यूड सही करने के लिए ज़रूरी है तो बेसिक सीख लो। ये तो क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि एक कॉमन साइंस मैथ के इंसान का, एक स्टूडेंट का IQ लेवल कंपेरेटिवली बेटर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होना ही चाहिए, कंपल्सरीली नहीं होता है, बस जनरली होता है, कंपल्सरीली नहीं होता है पर कॉमनली जनरली होता है बच्चों का, तो उस हिसाब से कर लो। पर IIT थोड़ी मतलब कोई फाइनल चीज़ है। ये साइंस का ωt आ जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको जीरो से टी तक, इसको बाद में काम में लेंगे। साइंस का ωt को लिख सकते हैं 1 cos 2 ωt/2। इफ आई अभी भी याद है, मतलब फॉर्मूले याद रहते हैं, मतलब 1 cos 2 ωt/2।
इनको करो इंटीग्रेट डीटी ई नॉट स्क्वायर बाय आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, टू बाहर ले लेते हैं, अपना तो क्या ही जाएगा इसके अंदर, डी टी जीरो से टी माइनस कॉस टू ओमेगा टी इंटीग्रेट जीरो से टी, और किसी को ऑफेंड होना है तो होता रहे यार, वैसे भी जब दुनिया में कोई चीज़ सच बोली जाती है तो स्टार्टिंग में लोग ऑफेंड ही होते हैं, हर किसी को प्लीज करने के लिए थोड़े ही पैदा हुए हैं, समझना और समझो, मेरा पर्सनल चैनल है, मैंने किसी को इनवाइट तो किया नहीं है देखने के लिए, कंटेंट सही लगता है तो पढ़ो, नहीं लगता है तो मत पढ़ो, वैसे भी जिस बच्चे को ज़रूरत होगी वो पढ़ ही लेगा। साइन टू ओमेगा टी, अगर मैं कॉस थीटा लिखता तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता साइन थीटा, अगर कॉस टू थीटा लिखता तो साइन थीटा साइन टू थीटा अपॉन टू आता, तो टू ओमेगा लिखा है, टू ओमेगा टी तो टू ओमेगा अंदर आ जाएगा और टू ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, इसको तो इंटीग्रेट कर ही दिया अपन ने, इसकी लिमिट लगा देंगे जीरो से टी, और जीरो से टी ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बना, ये जीरो कैसे होगा ये कल मैंने बता दिया था, फिर भी इसको सॉल्व करना हो तो मैं नहीं करवाऊंगा, ये खुद से कर लेना, साइन का कोई भी फंक्शन जीरो से टी पे जीरो ही होता है, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ई नॉट का स्क्वायर बाय टू आर, और एक टी भी तो आया होगा, ये रंग टी, ये टी मैंने कहा था इसको फाइनली इक्वेट कर देना उससे, ई आर एम एस का स्क्वायर जो हीट टोटल डिसिपेट हो रही है इनटू टाइम बाय आर, आर से आर्ट कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, ई आर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट बाय अंडर रूट टू, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, इसको छापो, इतने में देख लेता हूँ नेक्स्ट कंटेंट कौन सा है, नेक्स्ट अपन फेजर डायग्राम बनाएंगे, सिंपल से कहने का मतलब मेरा मोर ओवर यही है, आप टीचर को टीचर का काम मत सिखाइए, टीचर के काम के अंदर इंटरफेयर करोगे, और मैं ये मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑन बिहाफ ऑफ हर टीचिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से कह रहा हूँ जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपने क्लास में बच्चे को साइंस मैथ दिलाई क्यों है भैया, अगर आपके बच्चे के अंदर कैलिबर नहीं है, मैं कैलिबर तो नहीं कहूँगा, उसके अंदर विल नहीं है अगर, तो मत दिलाओ ना साइंस मैथ, और अगर दिला ही दी है पुश करके प्रेशराइज करके तो टीचर के ऊपर ठीक है ना मत फोड़ो, क्योंकि टीचर का काम तो रिजल्ट निकालना है, वो तो रिजल्ट निकालेगा ही, और रिजल्ट निकालने के लिए उसको डांटना ही पड़ेगा बच्चे को, ब्रीड ही ऐसी बना दी है सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब एकदम बच्चे को प्यार से काम नहीं चलता, हर जगह प्यार से काम नहीं चलता है, और प्यार मोहब्बत करना है तो फिर बच्चों को एक्टर बनाओ ना, आईआईटी की तैयारी क्यों करा रहे हो, एक्टर बनाओ, मुंबई भेजो उनको, मूवी में भेजो, वहाँ प्यार मोहब्बत करेंगे, जहाँ पढ़ाना है वहाँ तो स्ट्रिक्ट होके ही काम चलेगा ना, बच्चा होमवर्क नहीं करके आ रहा है, टीचर ने होमवर्क के लिए डांट दिया तो कंप्लेन, अरे चल क्या रहा है भैया, बच्चा होमवर्क नहीं करेगा टीचर ने नोट डाल दिया है तो दिक्कत है, रिवीजन करा रहा है याद नहीं है उसके लिए अगर कुछ कह दे तो दिक्कत है, तुम्हारा पेपर लिख दें, अब ऐसा कर दें,
मतलब बच्चे को अगर प्यार से कुछ बोल दे टीचर, तो बच्चा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी निकाल देता है। अरे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि बारूद पैदा हो रहे हैं भैया? खाना खाते हो मतलब क्या, असला खाते हो आजकल? और मैनेजमेंट को देखो, मतलब बच्चों की हिम्मत नहीं बढ़नी चाहिए। बच्चा मतलब टीचर के लिए बोल दे, हिम्मत नहीं बढ़नी चाहिए बच्चे की। जिन टीचर की वजह से बच्चे को नॉलेज मिल रही है, कम से कम पेरेंट्स को इतनी तो शर्म करनी चाहिए। वो शर्म भी छोड़ दिए क्या? या फिर अपने दिन याद कर लो, अगर आप लोग किसी ढंग की पोस्ट पे गए हो तो किसी टीचर से ही सीख कर गए होगे ना, या एरोगेंस से सीखा है जिंदगी के अंदर, और बच्चे को भी एरोगेंस से सिखाना है। मेरे जैसे फ्रीलांसर को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, मैं तो फ्रीलांसर हूं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा तो मर्जी है, नहीं करूंगा तो मर्जी है, पर एटलीस्ट जो ज्वाइन करते हैं उनके साथ तो वर्क कल्चर ढंग का रहने दो। तुम्हारा बच्चा चार चीजें ढंग की सीख के ही तो निकलता है टीचर से। मतलब एरोगेंसी किस चीज की? जो टीचर नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है आपके बच्चे को, उसको एरोगेंस सिखा रहे हो आप? किसको मतलब एरोगेंस दिखाना है तो किसको दिखाना है? टीचर को? हर टीचर जो है ना, वो घर चलाने के लिए नहीं पढ़ा रहा है, कुछ टीचर पैशन के लिए भी पढ़ा रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीखोगे तो तुम्हारे लिए सीखोगे भैया, टीचर पे थोड़ा ही एहसान कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं और होते रहेंगे। जो लोग लैंग्वेज सिखाते हैं ना, उनके सीजन आते हैं, पर जो लोग सब्जेक्ट सिखाते हैं ना, उनके दौर चलते हैं। ये याद रखना इस बात को। किसी ने कोडिंग सिखा दी, किसी ने फ्रेंच सिखा दी, किसी ने जर्मन सिखा दिया, इनके तो सीजन आते हैं भैया। किसी ने C++ सिखा दिया, किसी ने जावा सिखा दिया, ये तो सीजन पे काम करती हैं सारी चीजें। कभी सुना है कि मैथ का सीजन आया हो? इनके सीजन नहीं आते हैं। कभी सुना है कि मतलब केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सीजन आया हो? इनके दौर चलते हैं। सदियों से मैथ चलती आई है, सदियों से फिजिक्स चलती आई है, सदियों से केमिस्ट्री चलती आई है, ये चलती रहेंगी। और इन टीचर्स की आपको इज्जत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, मेजोरिटी अच्छे होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का होते होंगे जो होते होंगे, वाहियात, और मैं लिटरली वाहियात ही बोल रहा हूँ, जो स्कूल इस पर्पज से जाते हैं कि हम बच्चों को कम नॉलेज दें, कम सिखाएं, ताकि वो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट पे आ जाएं ट्यूशन के चक्कर में। पर मेजोरिटी अच्छे भी तो होते हैं, पर हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। गलती किसकी है? आप ही की गलती है, और किसकी गलती है? टीचर को एरोगेंस मत दिखाइए भैया। अगर तुम हिले हुए हो ना, तो सर टीचर तुमसे ज़्यादा हिला हुआ है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं बस। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो टीचर से गुंडागर्दी मचाते हैं, मतलब क्लास के अंदर गुंडागर्दी, टीचर से गुंडागर्दी। और कुछ नहीं तो कम से कम तमीज ही सिखा देते बच्चों को। और टीचर ने अगर हाथ उठा दिया, फिर तैयार हो जाना अपने पॉक्सो का हथियार लेके। और टीचर की सनक की जाएगी ना जिस दिन, बच्चा फॉक्सो लगाने लायक ही नहीं रहेगा कभी। देखो अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग ईएमएफ को हम सर्किट से डील करते हैं कि भैया रेजिस्टेंस है वो ईएमएफ के साथ, पर्टिकुलरली ईएमएफ के साथ अगर कोई सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वो ईएमएफ के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा। कोई सर्किट है जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, वो ईएमएफ के साथ कैसे बिहेव करेगा। कोई सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो वो
क्या ईएमएफ के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, और अगर तीनों को दोनों को कॉम्बिनेशन बनाएं तो किस तरीके से बिहेव करेगा। पहले बेसिक बेसिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो करंट स्टार्ट करते हैं, तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसको लिख सकता हूं मैं आई आर ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेसिकली ये एक इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन भी है, जहाँ पे आई नॉट जो है वो एक पीक वैल्यू है, ठीक है। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊँगा, इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी, हाँ सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, दामन से तुम्हें प्यार से प्यार। देखो ये ग्राफ बनेगा, सेम फेज में है, ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, साथ ही में कर लेते हैं इसके, जैसे मैं बनाता हूं इंडक्टर का, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा मेरे साथ शाम में बिता कर, तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हो मैं आकर, तो देखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, अब समझो, देखो लेंज लो, हालांकि जब आएगा तब बता दूंगा मैं, पर मैं मान के चला हूँ मैंने ऐसे ही उठाया इसको, तो मतलब तुम लोगों को लेंज लो पता होगा। ये आगे जाएगा तो एल डी आई बाई डी टी चालू हो जाएगा यहाँ पे, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा ना तो ऐसी बनेगी ई, इसको यहां जो ई एम एफ जनरेट होगा वो ऐसे जनरेट होगा, इसको अपोज करेगा एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। अब इसको साइन ओमेगा टी डी टी लिख देते हैं, एल डी आई लिख देते हैं, ठीक है। इसको नीचे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा E नॉट बाय L इंटीग्रेट साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू डी आई। इंटीग्रेट कर देंगे इसको जीरो से टी तक। अल्टरनेटिंग करंट की खास बात यह है कि चीज़ें अपने आप होती जाती हैं, अपने आप होती जाती हैं, हम लोगों को कुछ खास करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। E नॉट बाय L इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट लगेगी जीरो से टी, बाय ओमेगा है तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये I आ जाएगा। ओमेगा एल को एक्सएल लिख सकते हैं और ये माइनस में आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं
अब इस माइनस को कंपेंस, इसको ऐसे लिख दो, चलो ऐसे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू आई। अब कॉस ओमेगा टी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई नॉट बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगाओगे तो समझ जाओगे कि ये कैसे आया। अब मैं इसी तरीके के डायग्राम बना देता हूँ इसका, क्योंकि मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी बनाया तो मैं सबसे पहले आसानी से ई नॉट साइन ओमेगा टी बनाऊंगा। ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट इससे पीछे है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आई नॉट लिख देंगे अपन, करंट इससे पीछे है तो ये हो जाएगा पाई बाय टू पीछे, और ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। बोलो साचे दरबार की जय, ठीक है। ठीक है, सही है, सही तो हो गई, गलती तो हम एक ही बार किए थे जब आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बाकी तो सब सही किए हैं, ठीक है। इसमें एक कांस्टेंट भी आता है, पर उस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होती है। मैं बताता हूँ जीरो क्यों होती है। जैसे तुम लोगों को, कई उन लोगों को लगेगा कि भैया यहाँ पे प्लस में एक कांस्टेंट भी आया होगा, उसकी वैल्यू जीरो क्यों है। जीरो इसलिए है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ भी साइन का फंक्शन जो आएगा वो हमने पहले ही मान लिया कि वो भी साइन के अंदर आएगा, करंट का फंक्शन। अब साइन का फंक्शन जीरो से टी में जीरो ही होगा, तो ये जीरो होगा वो जीरो होगा तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हमने एज्यूम ही कर लिया कि भैया सी की वैल्यू एजम्पशन के अंदर जीरो की तरह ही बिहेव कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, तब तक के लिए पढ़ो, रिवाइज करो, बातें अच्छी लगें तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। ये शेयर कर लेना किसी से, क्या पता किसी ज़रूरतमंद का फ़ायदा हो जाए। एग्ज़ाम के लिए किसी के पास सोर्सेज नहीं हो तो यहाँ से रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ा के कर लेना इसको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।